अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो गाइस, हमारे बच्चे भी फुल रेडी हो गए हैं। देखिए, अब आपको बच्चों को दिखाती हूँ। आउटफिट अभी दिखाइए। अभी हाँ, सही इंस्टा बुला रही हैं आपकी। अभिया, किसने सी आपकी? अम्मा ने। अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर दो। अम्मा दे दिया, थैंक यू। क्या बात है? थैंक यू मेरे बच्चे। सो गाइस, आज मदर डे है तो जो हमने छोटे से सरप्राइज रखा है उनके लिए, जो हम उनको बता नहीं रहे हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल, आज मदर डे है और अल्लाह पाक हमारी माँ का साया सलामत रखे, सबके माँ बाप का साया सलामत रखे, यही हमारी दुआ है। और ये कि मम्मी के लिए हमने थोड़ा सा सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन ये कि मम्मी पसंद नहीं करती, हम मना करती हैं, लेकिन इसलिए हमने सरप्राइज कर लिया था कि मम्मी को हम सरप्राइज देंगे इस चीज़ का, क्योंकि मम्मी अपनी बर्थडे वगैरह बनाने भी नहीं देती हैं, मना करती हैं। बाप होता है, माँ बाप अपने लिए कहाँ सोचते हैं, दोनों ही सोचते हैं ना, माँ ना बाप। तो हमारी तो हमारे फादर नहीं है, तो हमारी मदर है, तो हमारी मदर ही हमारे लिए सब कुछ है। अल्लाह पाक उनका सारा हम पर हमेशा सलामत रखे, आमीन। मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, फिर हम लोग ना केक कट करते हैं, और अम्मी के जो सरप्राइज हम लेकर आए हैं उनके लिए, तो वो देंगे उनको। देखते हैं कितना खुश होती है माँ, तो वैसे भी छोटी छोटी खुशियों में इतना खुश हो जाती है, और जब औलाद उनके लिए कुछ लेकर आए सरप्राइज करे तो कितना खुश होती है माँ। तो देखते हैं आप, फिर हम साफ से मिलते हैं। A few moments later. So guys, अब ये छोटा सा सरप्राइज अम्मी के लिए था, केक मंगवाया हमने, और हस्बैंड भी आ गए मेरे। अभी मजा आएगा। टाइम बैग लेकर आए अम्मी के लिए, और हमने ये सरप्राइज हमारी तरफ से भाई। ये मेरे हस्बैंड की तरफ से, मतलब बुला रहे हैं, उनकी अम्मी भी है, और जो ना ये गिफ्ट्स मैं और मेरी बहन लाए। ये सरप्राइज है आपके लिए, आपको बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम लोगों ने क्या सबसे रखा हुआ आपके लिए। तो ये केक है, कलियां हैं और गजरे हैं, ये गिफ्ट है। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। आमीन आमीन, हैप्पी मदर्स डे। क्या कहना चाहेंगे अम्मी आप? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा कितना खुश करा बच्चियों ने। अल्लाह पाक खुश रखे तुम्हें भी बेटा। आमीन आमीन। इन्होंने तो काफी दिन से माशाल्लाह मंगा के रख लिया था पहले से, लेकिन हमने आपको शगुने नहीं दिया। हम लोगों ने आपको शगुने को कुछ पता नहीं था, लेकिन हम लोगों ने पहले से प्लान करके रखा हुआ था, और पहले से लाके मैंने दुकान पर ही, यानी कि इन्होंने मेरे को लाके दुकान पे दे दिए थे, मैंने फौरन इनको पैक कर दिया था। तो हमने बोला चलो रात को मैं आऊंगा ना घर पर, तो मैं लेता हुआ आ जाऊंगा, तो मैंने दुकान पर ही पैक करके मैंने छुपके से लाके इन लोगों के हवाले कर दिया था, इन्होंने छुपा दिया था, लेकिन अम्मी को शक होने नहीं दिया था। लेकिन आज माशाल्लाह मदर्स डे है, तो जाहिर सी बात है अम्मी को ये तोहफा माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा होगा। सो गाइस, अब ये के गजरे पहन रहे हैं, माशाल्लाह गजरे पहना रही हैं, इन दोनों की बेटी हैं माशाल्लाह, ये देखिएगा। हमारी तो दुआ है कि आप लोग भी माशाल्लाह इसी तरह घर के अंदर, बहुत खुशी होती है, छोटी छोटी खुशी होती है, इंसान को बांटनी चाहिए। तो आज कैसा लगा आप लोगों को? बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और ये हर दिन मनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि जस्ट मदर डे पे हम ये चीजें करें, हमें आम दिन में भी अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, उनकी फरमाबरदारी करनी चाहिए, और उनके हर तरह से उनकी केयर करनी चाहिए। बिल्कुल बेशक, हकीकत है, हकीकत बात है, दिन नहीं होता। बिल्कुल हकीकत है, देखो दिन तो सारे माओं के ही होते हैं, लेकिन एक स्पेशल दिन, हाँ स्पेशल फील करवाया जाता है, हकीकत है, और इसी में पता चलता है इंसान कितनी मोहब्बत करता है अपनी माओं से। माशाल्लाह आप लोग भी करते होंगे, अल्लाह पाक आप लोगों को भी सलामत रखे, इसी तरीके से आप लोगों की माओ का आप लोगों के ऊपर साया सलामत रखे। अनाबिया भी अब दे रही है अपनी तरफ से नानू को। माशाल्लाह, मियां ने अपनी मम्मा को दिया है। थैंक यू।
आमीन 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 आमीन। अल्लाह पाक बुरी नज़रों से, लोगों की बुरी नज़रों से बहुत बचा के रखे। अल्लाह पाक हमारी फैमिली को ऐसी हंसते मुस्कुराते रखे। अल्लाह पाक मेरे बाबा। चलो भाई अभिया दोनों हंसी पिनाओ। थैंक यू सो मच मेरी जान, थैंक यू सो मच अभिया। आप पिना दिया आपने। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। इतनी खुशी। चलो भाई केक काटो केक काटो। चलो भैया बर्थडे टू यू। सही है ना, दोनों का नाम ले लिया। मम्मा को नहीं खिलाया अनाबिया ने। मम्मा को नहीं खिलाया, खा लिया। अच्छा खा लिया भाई, खा लिया मम्मा ने, खा लिया। और बहुत पेट भर गया ना अनाबिया को शौक होता है, अनाबिया को शौक होता है। मुझे नहीं खिलाया केक किसी ने, ये देखें आप खिलाएंगे, आप खिलाएंगे। सबने खा लिया, मुझे नहीं खिलाया। अच्छा मेरी बेटी खिला रही है, आ रही है हमारी अनाबिया, आ रही है केक खिलाने के लिए। नहीं ये देखिए गाइस, अभी नहाकर आया हूँ, गाल खराब कर दिए। अभी आप भी लगा लो बेटा, लगा लो। और मेरा बच्चा बस। सो गाइस ये होती है खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ बांटनी चाहिए इंसान को। माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन था माशाल्लाह। अल्लाह पाक ये दिन हर किसी को दिखाए। आमीन आमीन आमीन। गाइस अब फाइनली केक कट गया है माशाल्लाह, और हमने मम्मी को दे दिया सरप्राइज, और मेरी बेटियों ने भी मुझे कंगन पहनाए माशाल्लाह, फ्लावर दिया, बहुत खुशी हुई। और अब अनबॉक्सिंग का टाइम है, गिफ्ट अनबॉक्सिंग का टाइम है। अब देखते हैं अम्मी गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रही हैं, हम अम्मी को पसंद आते हैं नहीं आता देखते हैं, और आपको दिखाते हैं गाइस। तो गाइस अब देखें अनबॉक्सिंग हो रही है। गाइस इतनी मेहनत से पैक किया था, देखो खोल किस तरीके से रही है। देखो बच्चे देखो हमारे किस तरीके से खोल रहे हैं। अनाबियों को देखें, आओ अनाबियों को। आराम से बड़ी मुश्किलों में पैक किया था ये देखो। बहुत ज्यादा था मैं मंदिर, बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा चलो मैं मम्मी के लिए मंदिर दे देती हूं। नाना का पापा नाना बोल लेते मुझे बहुत चाहिए। ओहो ये अभिया को चाहिए, अभिया ये तक है कैसे लगा अम्मी? ये पर्स मेरी तरफ से, ये पर्स मेरी तरफ से अम्मी आपका, और ये जो सूट है वो आपकी छोटी बेटी की तरफ से। क्या बात है, आमीन आमीन। थैंक यू माँ। और मुझे पता है आप ज्यादा इजहार नहीं करती, लेकिन आपको इतनी खुशी हुई वो हम जानते हैं। इतनी खुश बहुत, वैसे ही आपको पता है मेरी मम्मा कैमरा शाये बहुत हैं कि वो इतना आ गई फिर भी हमारी बोलने पे। थैंक यू अम्मी, और आज बहुत अच्छा लगा हमें भी माशाल्लाह, मदर डे बना के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अल्लाह पाक आपका साया सलामत रखे हमेशा, इसी हर साल इस तरह मनाए हम, और हर साल इस तरह खुशियाँ मनाने की तौफीक दे अल्लाह पाक सबको। आमीन आमीन। सो गाइज हम लोगों ने बना लिया है मदर्स डे, तो इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।
तो गाइज आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट करें, इंशाल्लाह आप लोगों को और भी नए नए व्लॉग आपको मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्लीज़ एक बार फिर से लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके अल्लाह हाफिज़। हमारा व्लॉग देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिए, माशाल्लाह बोलिएगा क्योंकि माशाल्लाह हर चीज़ में माशाल्लाह बोलना लाजमी होता है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।